वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड में बस की अपडेट मैं हमेशा से आपको दे रही हूँ, जैसे जैसे जो भी अपडेट आती गई, तो एक बार फिर से आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज है कि उत्तराखंड में जो बसें हैं अब उनका संचालन पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। ये संकेत हमें कहाँ से मिले, क्या है पूरी न्यूज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले, अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, 8 जून यानी कि कल एक नोटिस आया था, जिसमें कि मैंने वीडियो भी बनाई थी। आप देख सकते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस में चेंज किया गया, लेकिन तो वो आप अलग वीडियो है, उसमें आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं बस के संचालन की। तो इसमें जो पॉइंट है परिवहन को लेकर, यहाँ पे आप देखेंगे कि अब इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शैल कंटिन्यू टू ऑपरेट विद 100 ऑक्यूपेंसी एंड सब्जेक्ट टू SOP इशूड बाय STD स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो जो आप इंटरस्टेट मूवमेंट है, यानी कि उत्तराखंड में ही आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अब 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चलेगा। ये नोटिस आने से पहले 75% पर बात की गई थी, लेकिन इसमें भी फेरबदल कर दिया गया, इसमें चेंज कर दिया गया है। तो आप जितनी बस में सीटें हैं उतनी बस की सीटें के अकॉर्डिंग ही 100% क्षमता के साथ जो बस है वो चल सकती है। जो SOP है उनका पालन करना होगा, जो कि स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि STD की SOPs है। इसके अलावा पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू स्टेट बाय एयर, बाय बस, बाय रेलवे, प्राइवेट व्हीकल, टैक्सी, उन सभी को, जो भी आप किसी भी मोड से आ रहे हैं, चाहे एयर से, चाहे बस से, चाहे रेलवे से, चाहे प्राइवेट व्हीकल से या टैक्सी से, आपको ई पास बनवाना होगा उत्तराखंड की वेबसाइट पर। तो ये ई पास कैसे बनवाना है, इसकी भी वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो ट्रेन है, कौन कौन सी ट्रेनें और शुरू हुई हैं, इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इसके साथ ही आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। चाहे बस या टैक्सी के ड्राइवर हो या कंडक्टर या हेल्पर, सभी की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, साथ ही ई पास भी चाहिए। यहाँ पर आप चाहे बस से आ रहे हैं, चाहे रेल से आ रहे हैं, या चाहे फ्लाइट से आ रहे हैं, या अपने व्हीकल से क्यों नहीं आ रहे हैं, दोनों की दोनों गाइडलाइंस जरूरी हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन का अंतर्राज्यीय आवागमन 100% कैपेसिटी के साथ राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी SOP के अधीन ही जारी रहेगा। तो यहाँ पे हमारी गाइडलाइंस क्लियर हो जाती है दोस्तों, कि जो बस है अब वो 100% कैपेसिटी के साथ चलेंगी, और इसके अलावा किराए में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब बस 100% कैपेसिटी के साथ चलेंगी, किराया भी उतना ही वसूला जाएगा जो कि पहले था। ये अपडेट मैंने आपको कल भी दे दी थी, तो इसी तरीके की और अपडेट्स मैं आप लोगों को देती रहूंगी। तो बस जो है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस 8 जून से चल जानी चाहिए, यानी कि कल से चल जानी चाहिए थी। तो कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी चल चुकी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में चल रही है कि नहीं, और बाकी डिस्ट्रिक्ट है जो वहां पर भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। तो आज की वीडियो में मुझे आपको यही अपडेट देनी थी। इसके अलावा और जैसे भी अपडेट रहेगी, ये अंतर्राज्यीय बस के बारे में है, अगर दिल्ली से उत्तराखंड या यूपी से उत्तराखंड बसें चालू होती हैं, उसके बारे में भी मैं जल्दी ही वीडियो की अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।